नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और आज एक कोठी आपको दिखाने हैं, पहले गली दिखा दें। शानदार कोठियां बनी हुई हैं, बिजली के खंभे हैं, 30 फुट की रोड है, गेटेड सोसाइटी है, अप्रूव्ड है। और ये वाली जो कोठी है ये 100 गज में है, 20x45 का साइज है। यहाँ एक गाड़ी की पार्किंग है, स्टील की रेलिंग वाला गेट लगा हुआ है और इस तरफ वॉशिंग एरिया बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और बाहर से सीढ़ियां हैं और 1 बेडरूम ऊपर बना हुआ है। जाली का दरवाजा है। लोग कहते हैं जी ये लग के मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल मिलेगा जी, अंदर इंटर करो, इंटर करते ही आपको ये ड्राइंग एरिया मिल जाएगा जिसमें से बाहर से वेंटिलेशन भी आ रही है। और यहाँ LED पैनल भी लगा दिया गया है। ऊपर आप देखिए डाउन सीलिंग हो रखी है। पूरे के पूरे हॉल के अंदर ड्राइंग डाइनिंग है। यहाँ पे आपका डाइनिंग टेबल आ जाएगा जो कि 4 से 6 सीटेड हो सकता है। किचन बहुत स्पेशियस है, यहाँ पे आपकी फ्रिज, RO, गीजर, चिमनी और ऊपर डाउन सीलिंग सब कुछ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से जो विंडो है, विंडो से बाहर का व्यू है। जो बहनें यहाँ पे, माताएं यहाँ पे खाना बनाएंगी, उनको बाहर कौन आ जा रहा है सब दिखाई पड़ेगा। अब इस तरफ फर्स्ट बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर का, जिसके अंदर हम एंटर कर रहे हैं। और यहाँ पे ऊपर डाउन सीलिंग हो रखी है। और इस तरफ जो कबर्ड्स हैं ये पूरी ऊपर तक छत, यहाँ पे सर्दी गर्मी के कपड़े आप स्टोर कर सकते हैं। नीचे स्लाइडिंग डोर दे दिए हैं यहाँ पे। और इस तरफ वॉशरूम अटैच है जो कि बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं। और पीछे यहाँ पे वॉशिंग एरिया भी दिया गया है और जाली का दरवाजा भी दिया गया है। वॉशिंग एरिया यहाँ पे टैप लगा के दी गई है। और दूसरे कमरे में चलते हैं। दूसरे कमरे में अभी आपको दिखाते हैं कि जैसे रूम नंबर 1 में था, आइए चलते हैं। रूम नंबर 2 में भी सेम अटैच वॉशरूम है, सेम डाउन सीलिंग है। डिजाइन हल्का सा चेंज है लेकिन यहाँ पे भी फुल लेंथ कबर्ड है। और लेकिन यहाँ पल्ले खुलने वाले लगाए हैं, उस कमरे में स्लाइडिंग लगाए थे। इसका अटैच वॉशरूम है, यहाँ पे ब्लैक कलर की बहुत शानदार टाइल्स लगाई हैं और वॉशरूम बिल्कुल रेडी है। और ये 2 कमरे हो गए। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। वो आप ऊपर आ रहे हैं सीढ़ियों के, देखें। और सीढ़ियों के जैसे ही ऊपर आएंगे रेलिंग लगी हुई है, ग्रेनाइट लगा हुआ, और ये वाला रूम आ गया। अब इस रूम में बाहर बैल्कनी है और जाली का दरवाजा और ये विंडो यहां पे लगाई है ताकि बाहर से आपको रोशनी हवा दोनों आ सके। अब इस तरफ वॉशरूम आ गया। वॉशरूम में आपका वॉश बेसिन भी है, सीट भी है, शावर भी है और टाइल भी लगी हुई है, बिल्कुल रेडी है। तो 1 बेडरूम अटैच वॉशरूम आपको यहां मिल गया। अब छत है पर ये खुली सी छत आपको मिलेगी साथ में। तो 1 रूम अटैच वॉशरूम आ गया और ये खुली छत आ गई। और पीछे रोड चल रही है जो आगे इसमें व्हीकल अब गुजर रहे हैं, ऑटो भी देखा आपने पहले, गाड़ी गुजरी अभी, मोटरसाइकिल। तो ये मेन रोड है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को जा रही है। तो इस कोठी का 5190 जो है वो प्राइस है, 51,90,000 आपको इसका प्राइस लगेगा जो यहाँ पे डिमांड हो रही है। बाकी ऑन टेबल बैठेंगे तो थोड़ा बहुत नेगोशिएशन भी हो सकती है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्थ फेसिंग कोठी है, 90% तक इस पे बैंक लोन अवेलेबल है PNB हाउसिंग से। अप्रूव्ड बजट है। तो अप्रूव्ड बजट का फायदा क्या होता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट देने हैं, बजट के सारे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बैंक के पास पड़े होते हैं। आपको 90% लोन में, यानी कि 5190 में से आपको 5-6 लाख अगर आपके पास है, बाकी सारा आपको बैंक से लोन हो जाएगा। और 40,000 45,000 जो भी आपकी EMI बनेगी वो आपको मंथली पे करनी है। अगर आप ज़्यादा पैसे दोगे तो आपकी किस्त कम हो जाएगी। जो किस्त कम होगी उसका बेनिफिट भी आपको होगा क्योंकि आपको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बाकी इनकी तरफ से 5190 लाख जो इनकी डिमांड है उससे जो नेगोशिएशन करके आपको प्राइस बैठेगा और उसके ऊपर जो आप लोन लोगे उसकी जो इंटरेस्ट है वो आपको देना है तो आप दे सकते हैं। अब नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, कॉल करके आप आओगे और आके आपको ये कोठी भी दिखाएंगे, इसके साथ प्लॉट पड़े हैं वो दिखा देंगे, जो भी आपको अच्छा लगे। अगर आप साथ वाले इसी कॉलोनी के अंदर प्लॉट लोगे और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करोगे तो 50 लाख से कम आपको नहीं पड़ेगा। जो यहाँ लगा हुआ ऐसी ही कोठी अगर आप खुद तैयार करोगे तो भी आप 50 लाख से कम तैयार नहीं कर पाओगे। तो समझदारी इसी में है कि टाइम क्यों वेस्ट करना, लोन ज़्यादा मिल रहा है, प्लॉट लेकर कोठी बनाएंगे तो जेब से पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, यहाँ कम देने पड़ेंगे।
तो रेडी टू मूव कोठी जाने का हमें बेनिफिट होता है। प्लस यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चे भी रेंट पे रह सकते हैं, अगर आपके बच्चे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहे हैं या आपके रिश्तेदार का बच्चा आ रहा है तो आपको उसका भी फायदा होगा, वो यहाँ पे रेंट पे रह सकता है, उसी रेंट से आपकी ईएमआई निकल सकती है। तो काफ़ी कुछ हमने आपको बता दिया, और एक शेर याद आ रहा था आपको सुनाते हैं। तो एक शेर याद आ गया कि मोहब्बतों के दिनों की यही खराबी है, मोहब्बतों के दिनों की यही खराबी है, ये रूठ जाएं तो फिर लौट के नहीं आते हैं। मोहब्बतों के दिनों की यही खराबी है, ये रूठ जाएं तो फिर लौट के नहीं आते हैं, और खुशी की आंख में आंसू की जगह भी रखना, खुशी की आंख में आंसू की जगह भी रखना, बुरे जमाने पूछ कर नहीं आते हैं। तो जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, कभी अच्छे दिन भी आते हैं कभी बुरे भी आते हैं। तो चलिए बुरे बातों क्यों करें, हम अच्छे दिनों की बात करें। अगर आपके पास भगवान की कृपा से कुछ पैसे आ चुके हैं और आप एक और प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ये अच्छे दिनों की निशानी है। तो आपके अच्छे दिन आ चुके हैं तो आप यहाँ आएँ, इस कोठी को लें, इसको रेंट पे दें, खुद रहें, इंजॉय करें। अगर आप किसी गांव में रहते हैं, आर्मी में जॉब करते हैं, किसी और जगह जॉब करते हैं, रिटायरमेंट के बाद चंडीगढ़ के पास बसने का आपका मन है तो ये आपका सपना साकार करेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, कॉल करके आप आएंगे तो आपको बहुत सारी और ऑप्शन भी दिखाएंगे। जो ये नहीं है कि 50 की आपको 60 70 80 90 लाख की कोठियां भी देखने को मिलेंगी, लेना जो मर्जी हो लेकिन दिखाएंगे जरूर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।